हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको पीको की मशीन से जो हम तार वाली पीको करते हैं वो सिखाऊंगी। उसके लिए हमने ये तार लिया है, ये आपको किसी भी बटन धागे वाली शॉप से मिल जाएगा। मछली पकड़ने वाला जाल होता है उसका तार भी बोलते हैं। वैसे आप इसको पीको वाला तार बोलकर भी ला सकते हैं। इसमें ये दो साइड धागे बंधे हैं, तो इनको पहले हम खोल लेंगे। और इसका ये जो हमारा सिरा है इसको हम लेंगे, और ये जो हमारा रोल है इसको हम नीचे की साइड रख लेंगे। और जिस भी फैब्रिक पे हमें इसको सेट करना है तार को, उसको लेंगे। हमने स्कर्ट बनाई है, इस स्कर्ट में हम तार वाली पिको करेंगे। तो इसको हम ज्वाइंट से लगाना शुरू करेंगे। तो जो हमने ज्वाइंट लिया है इसको पहले थोड़ा सा कट कर लेंगे, जिससे ये हमारा पीको की मशीन में आसानी से आ जाए। पहले इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे। अब इसको हम इस तरह जिस तरह पीको करते हैं इसमें फंसाएंगे, और इसके साथ ही हम ये तार इसके अंदर डाल देंगे। एक दो बारी में ये तार सेट हो जाता है वैसे, लेकिन अगर आपको पीको अच्छी आती है करनी तो ये तार और भी जल्दी सेट हो जाएगा। यहाँ हमने ये पहले अपना नेट फंसा लिया है, फिर इसी में हम अपना ये प्लास्टिक का तार डाल देंगे इस तरह। और पहले थोड़ा सा हल्के हाथ से करेंगे। इस तरह इसको ये हमने जो तार लिया है इसको हम जो हमने ये नेट यहाँ पर फंसा रखी है इसके साथ ही इसको यूज करेंगे। यहाँ पर ये नेट ली हमने और इसको इसी के साथ रखेंगे। इस तरह ये हम पिको करेंगे अपनी। इसे तार से ना ये पिको हमारी थोड़ी उठी उठी लगेगी, तो अगर स्कर्ट का या लहंगे का या गाउन का लुक इससे और भी प्यारा हो जाता है। अगर बाय चांस आपका जो तार बीच में ख़त्म हो गया है, टूट गया, तो आप जहाँ से हमारा तार टूटा है वहीं से इसको दोबारा इस तरह अंदर डाल के वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम अपना पूरा घेर तैयार कर लेंगे। ये हमने पूरी गोलाई में इसको पिको कर लिया है। अब ये हमारी लास्ट है एंडिंग, तो इसको हम कैसे करेंगे ये दिखा रहे हैं। यहाँ तक हमारी पीको है लास्ट में, तो हम ये थोड़ा तार को कट कर लेंगे। और इस तार को हम इस वाली पीको पर रिपीट कर देंगे, जिससे ये बाहर ना आए। इस तरह हमने ये तार वाली पीको कंप्लीट कर लिया है। अब सिंपल पीको कैसे करेंगे वो भी हम आपको एक बार बता देते हैं। सिंपल पीको करने के लिए भी हम जो हमारी ये ज्वाइंट है इसकी कटिंग कर लेंगे पहले। और इसको इस तरह लेंगे नेट को, या कोई भी फैब्रिक वगैरह पे भी आप पीको कर रहे हैं, साड़ी पे पीको कर रहे हैं, तो इसको ऐसे पहले एक दो बार हाथ से मशीन को चलाएंगे, क्योंकि ये हमारी मोटर मोटर वाली मशीन है, तो ये मोटर से ही होती है पीको, अच्छी जो पीको होती है। फिर इसको हम दूसरे हाथ से इस तरह पकड़ेंगे,
ये वाला, और मशीन स्टार्ट करेंगे। यदि आपका फैब्रिक इस गोलाई में है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल यहां से इसको पकड़ना है और इसको यहां से पकड़ना है बस, और मशीन चलानी है। इसी तरह हम ये पूरी गोलाई में पीको कर लेंगे, और इसी तरह आप मशीन से सिंपल वाली पीको इस तरह कर सकते हैं। आपको हमने दोनों तरह की पीको सिखाई है, तार वाली भी और सिंपल भी। ये जो तार वाली है ये आप गाउन वगैरह में कर सकते हैं, गाउन में, लहंगे में, स्कर्ट वगैरह में, और सिंपल तो आप साड़ी वगैरह जो भी दुपट्टा है, साड़ी है, उसमें कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बहुत ही आसान तरीके से पीको करनी सिखाई है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू।